मेरे पेरेंट्स का और मेरी फैमिली का हमेशा 100% सपोर्ट रहा, और एलएन के पूरे सिस्टम ने, मतलब मुझे एजुकेशन के लिए तो हम यहाँ पे आते ही हैं, बट मुझे मेंटल और इमोशनल सपोर्ट एलएन का भी पूरा 100% रहा। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारियां कर रहे हैं उनको किस तरह से आप सजेस्ट करेंगे? सर मतलब अगर हम किसी चीज़ को अपना गोल बनाते हैं तो फिर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसमें 100% दें, उसके बाद तुम एक्सपेक्ट मत करो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। और फालतू में ज़्यादा प्रेशर लेने से सिर्फ मेंटल हेल्थ खराब होगी, तो तुम बस अपने एफर्ट्स मतलब 100% करते क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा खुशी है, कभी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन हाँ इट्स अ नाइस सरप्राइज। क्या स्ट्रैटेजी थी पढ़ाई की और कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं स्ट्रैटेजी यही थी, पहले कॉन्सेप्ट से फोकस करता था, बेस स्ट्रांग रखना, और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस उसको सॉलिडिफाई करने के लिए। अच्छा, तो कितने घंटे पढ़ते थे? क्योंकि ऐसा कहा जाता है ज़्यादा टाइम पढ़ने से क्या स्मार्टली पढ़ाई होती थी या फिर टायरलेसली? वो डिपेंड करता था, डे टू डे वैरी होता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो किसके लिए वर्क करता है वो पर्सनल होता है। आई मीन मेरे लिए 5 to 6 hours वाज सफिशिएंट, सेल्फ स्टडी दैट इज ऑन अ डेली बेसिस, समटाइम्स मोर समटाइम्स लेस। ड्यूरिंग द लास्ट 6 months इट वाज डेफिनेटली मोर एंड दैट वर्क फॉर मी। सोशल मीडिया से कितने दूर रहते थे आप? किस तरह से यूज़ करते थे सोशल मीडिया? मैं रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ करता था, मतलब टोटली डिटैच तो नहीं था, बट हाँ लिमिट्स रखी थी अपने आप के लिए, नहीं तो अगर उससे पार हो जाता था देन आई वुड स्टॉप यूजिंग इट। जहाँ भी लगता था डिस्ट्रैक्शन आ रही है पढ़ाई में वो छोड़ देता था। का शुक्र मैं अदा करना चाहता हूँ इस पोजीशन के लिए, इसका ही मतलब ये कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं की मदद से मतलब ये सब अचीव हो रहा है। पेरेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है, उनका सपोर्ट हर टाइम पे, जैसे मोटिवेशन या फाइनेंशियली या कोई भी किसी भी टाइप का सपोर्ट हो, वो पेरेंट्स का हमेशा रहा है मेरे साथ। और उसके बाद जो टीचर्स का इंस्टीट्यूट में, उनका तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उन्होंने हर टाइम पे मोटिवेट गाइड वगैरह वो सब किया है। उसने टॉप किया है, इसलिए जो बच्चा आज कामयाब नहीं हुआ उसको भी मेहनत करना है, आगे चलकर वो भी कामयाब हो जाएगा।